हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 22 जुलाई 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, और ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। तो प्रश्न संख्या एक, महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बन गई है, जिन्होंने हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या एक का सही जवाब ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, जो भारतीय टीम के उप कप्तान भी है। प्रश्न संख्या दो है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन से 8,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 12,000, और ऑप्शन डी 14,000। तो प्रश्न संख्या दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8,000। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि करने की सिफारिश की गई है। प्रश्न संख्या तीन है कि मानोलो मोरकोच को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, वे किस देश के हैं? ऑप्शन से स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब ऑप्शन ए स्पेन। प्रश्न संख्या चार है कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन से शाहरुख खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, और ऑप्शन डी रामचरण। तो प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए रामचरण को IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच है कि BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? ऑप्शन से 7.5 करोड़, ऑप्शन बी 8.5 करोड़, ऑप्शन सी 9.5 करोड़, और ऑप्शन डी 10.5 करोड़। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब ऑप्शन बी 8.5 करोड़ BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए योगदान दिया है। प्रश्न संख्या छः, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को एक नेटवर्क परियोजना सौंपी है, जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी, इस परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन से ए TaxNet 1.0, ऑप्शन बी TaxNet 2.0, ऑप्शन सी TaxNet 3.0, और ऑप्शन डी TaxNet 3.0। प्रश्न संख्या छः का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी TaxNet 2.0, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को एक नेटवर्क परियोजना सौंपी है, जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। प्रश्न संख्या सात है कि किस व्यक्ति ने 2023 में $227.9 बिलियन के ब्रांड मूल्य का दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन से विराट कोहली ने, ऑप्शन बी MS धोनी ने, ऑप्शन सी रणवीर सिंह ने, और ऑप्शन डी अक्षय कुमार ने। प्रश्न संख्या सात का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली ने। प्रश्न संख्या आठ, किस देश ने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओ फेम 11 O5 लॉन्च किया है? ऑप्शन से ए स्पेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी अर्जेंटीना।
तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन बी चीन ने। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस शहर में वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पहली पक्षी गैलरी खोली गई। ऑप्शन से मुंबई में, ऑप्शन बी उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी हरिद्वार में और ऑप्शन डी देहरादून में। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन डी देहरादून में। प्रश्न संख्या 10 की भारतीय विमान पतन प्राधिकरण ने किस शहर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राजस्थान सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन से उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी बीकानेर। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन सी कोटा। प्रश्न संख्या 11 है कि जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहकों को जानो केवाईसी नो योर कस्टमर निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर किस कंपनी पर 1,90,00,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ऑप्शन से मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन सी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। प्रश्न संख्या 12 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वाइट लेबल एटीएम WLA के शुल्क ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है, इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन से सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन बी सुनील मेहता, ऑप्शन सी टीबी रविशंकर और ऑप्शन डी अरुण गोयल। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी सुनील मेहता। प्रश्न संख्या 13 के निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन से स्माइल फाउंडेशन ट्रस्ट, ऑप्शन बी अक्षय पात्र फाउंडेशन, ऑप्शन सी दिशा फाउंडेशन ट्रस्ट और ऑप्शन डी श्री कुरुम्बा ट्रस्ट। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन डी श्री कुरुम्बा ट्रस्ट। प्रश्न संख्या 14 है कि ललिया जुआल छांगटे और इंदुमती कथिरेशन जिन्हें जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचार में देखा गया था, निम्नलिखित में किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन से बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी स्क्वैश और ऑप्शन डी पोलो। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी फुटबॉल। प्रश्न संख्या 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन से 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 17 जुलाई और ऑप्शन डी 18 जुलाई। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन ए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन डी तेलंगाना ने। प्रश्न संख्या 17 की कहाँ हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 18 कि हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ऑप्शन से इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी मलेशिया।
प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री बीएल बर्मन ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी बदाऊं। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन डी बदाऊं में। प्रश्न संख्या 20 के हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारतीय खदानें शामिल हुई हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन ए 1। प्रश्न संख्या 21 है कि हाल ही में किसको HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी मधु खन्ना, ऑप्शन सी जॉर्ज एलहेड्री और ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन सी जॉर्ज एलहेड्री को HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 22 जुलाई 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और इसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।